हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कीड़ा का डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 28, 29 और 30 दिसंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर को रिविजन कर लेते हैं पहले, तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यह दिवस दोस्तों हर साल दिसंबर 25 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में किस स्थानीय क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस है रद्द कर दिया है। ठीक है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि डीजी बॉक्स जो कि भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जिसे किस इकाई द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो डीजी बॉक्स जो क्लाउड स्टोरेज है इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि उस फॉर्म का नाम बताइए जिसने बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा मूवर्स और शेकर 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, जिसे हाल ही में विस्की ने जारी किया है, मतलब ये लिस्ट जो है वो विस्की द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने इस लिस्ट में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का दोस्तों जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जा रहा है, उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही स्थापित होने वाली है। तो भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात राज्य में स्थापित होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। ठीक है, इसमें जो कुल लागत लगी थी दोस्तों वो 1.05 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रतिमा का जो है बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न था दोस्तों कि किस राज्य ने हाल ही में पीआर इनसाइट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो ये जो पीआर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल पंजाब राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब आज करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, द फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेन, ड्राइवरलेस ट्रेन, ठीक है, सर्विस इन इंडिया हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी बाय पीएम मोदी। ठीक है दोस्तों, ये पहला जो ड्राइवर रहित ट्रेन है ये न्यू दिल्ली में इसका टेस्ट ड्राइव किया गया है। डिटेल इसकी हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर देश का पहला पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी जो है दिखाई है। ठीक है, इसके अलावा डीएमआरसी और एनसीएमसी सेवा से जोड़ने के लिए पीएमआरसी दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी पीएम ने पूरी तरह से परिचालन राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू जो किया है। ठीक है, राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड है क्या, इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। एनसीएमसी जो है जिसे वन नेशन वन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक अंतर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है जो मतलब जिनके भी पास वो कार्ड है उनको वो अलाउ करेगा कि वो किसी भी ट्रैवल में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टोल टैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्किंग शुल्क उससे दे सकते हैं और साथ ही साथ वो कुछ खुदरा खरीदी भी उससे कर सकने के साथ पैसे भी उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड का भी लॉन्च जो है उसी के साथ पीएम मोदी ने किया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है, यह सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी सबसे पहली बार। ठीक है, पीएम मोदी हैज रिसेंटली फ्लैग्ड 100 किसान रेल फॉर इंडिया, दिस न्यू सर्विस हैज बीन स्टार्टेड टू लिंक विच स्टेट। ठीक है, तो पहली बार जो किसान रेल है वो महाराष्ट्र और बिहार राज्य के बीच में चलाई गई थी। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, किसान रेल के 100वें भाग को महाराष्ट्र के संगोले से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना किया गया है। ठीक है, किसान रेल पूरी सुरक्षा के साथ फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि जैसे खराब चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज जो है। ठीक है, 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल शुरू की गई थी, इसे मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत और वियतनामी नौसेना ने किस क्षेत्र में अपना पैसेक्स अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, द इंडियन नेवी एंड द वियतनामीज नेवी
हेल्ड देयर पैसेस एक्सरसाइज इन विच रीजन। ठीक है, तो भारत और वियतनामी नौसेना के बीच ये जो पैसेस अभ्यास है ये साउथ चाइना सी में हो रहा है। डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए, तो भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में नौसेनी पास अभ्यास पैसेक्स जो है शुरू किया है। ठीक है, 2 दिवसीय अभ्यास दोनों देश के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास का हिस्सा था। भारतीय नौसेना जहाज INS किल्तान इस अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की दोस्तों। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है ग्युएन जुआन फुक, वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की मुद्रा जो है वियतनामी डोंग। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। कलाम 5 के रूप में डब्ड किए गए ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी का नाम बताइए। ठीक है, नेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्राइवेट कंपनी टू सक्सेसफुली टेस्ट फायर सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन डब्ड एज कलाम 5। ठीक है, तो भारत की जो है पहली निजी कंपनी यानी कि पहली प्राइवेट कंपनी है इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ठोस रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिसका नाम था कलाम 5। ठीक है, इस महत्वपूर्ण प्रोड़दान तकनीक का उपयोग उनके पहले रॉकेट विक्रम 1 के लिए किया गया जाएगा। ठीक है, जो सक्रिय विनिर्माण के तहत और इसरो की मदद से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो स्काई रूट एरोस्पेस और इसरो जो है वो साथ में काम कर रहा है। ठीक है, कलाम 5 जो है वो ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का एक श्रृंखला है जिसकी जो क्षमता है वो लगभग 100 टन की है। ठीक है, और बाकी मतलब इस श्रृंखला में टोटल 5 इंजन्स होंगे जिसमें भी पहले इंजन का ही निर्माण किया गया है और उसे टेस्ट किया गया है। बाकी के 4 जो इंजन है उसे 2021 में उनका परीक्षण किया जाने का दावा किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापक और CEO का नाम है पवन कुमार चंदन। स्काई रूट एरोस्पेस का स्थापना हुई थी 12 जून 2018 को और इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन अवार्डेड द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड 2020। तो ये अवार्ड दोस्तों MS धोनी को दिया गया है। ठीक है, तो 28 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित ICC अवार्ड्स ऑफ द डेकेड के विजेताओं की घोषणाएं की गई हैं। द डेकेड के ICC अवार्ड पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पहचानित करता है। ठीक है, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड MS धोनी को दिया गया है। ठीक है, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो ICC के अध्यक्ष का नाम है ग्रेग बार्केल, इसके CEO है मनु सहानी और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि UAE में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की नौसेनाओं ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया यानी कि सिंधुवीर को अपने नौसेना में शामिल किया। ठीक है, विच नेवल फोर्सेस ऑफ विच कंट्री हैज़ कमीशन्ड द इंडियन नेवी सबमरीन INS सिंधुवीर इन इट्स फ्लीट रिसेंटली। दोस्तों म्यांमार राज्य ने भारत की इस पनडुब्बी को अपने नौसेना में शामिल किया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को शामिल किया है। ठीक है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा देश को सौंप दिया गया था। ठीक है, यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है। ठीक है, मतलब म्यांमार नेवी में यह पहला पनडुब्बी है जो शामिल किया गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL द्वारा संचालित रक्षा शिपयार्ड द्वारा म्यांमार नौसेना के लिए पनडुब्बी का नवीकरण किया गया है। ठीक है, INS सिंधुवीर को 25 दिसंबर 2020 को कमीशन किया गया था जिसने म्यांमार नौसेना के 73वें वर्षगांठ को चिन्हित किया था। ठीक है, INS सिंधुवीर का नाम जो है म्यांमार नौसेना ने बदलकर UMS मिनी थेंकातु कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की दोस्तों कि म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम जो है वो विनमिंट है, वहाँ की राजधानी है नोपिटाव और म्यांमार की मुद्रा है कयाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एलिस पेरी ने 2020 के ICC महिला प्लेयर ऑफ द डेकेड
ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड और T20I प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड का खिताब जो है जीता है, ठीक है। यानी कि तीनों का खिताब, ICCI महिला ऑफ द प्लेयर का रिकॉर्ड का खिताब, ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड का खिताब और T20I प्लेयर ऑफ द डेकेड का खिताब जो है जीता है। वो जो है किस देश से खेलती हैं, वो किस देश की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो एलिस पेरी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती हैं। डिटेल इसकी देख लेते हैं। तो रेचल हेयर्ड फ्लिंट अवार्ड ऑफ द ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड जो है एलिस पेरी ने जीता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऑस्ट्रेलिया के देश की तरफ से खेलती हैं। ICC वुमेन ODI क्रिकेट ऑफ द डेकेड का खिताब भी उन्हीं को दिया गया है और ICCI वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का खिताब भी उन्हीं को दिया गया है, ठीक। एलिस पेरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाली एक ऑलराउंडर हैं, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।